चलिए आपको पिंजरापुर गौशाला सीधे लिए चलते हैं और दिखाते हैं लाइव तस्वीरें। सीएम अशोक गहलोत कार्यक्रम में शामिल होंगे तो गौशाला में आज इतने संत एक साथ हम सब के मध्य हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर महाराज जी यहां पर बैठे हैं, पथमेरा महाराज यहां पर बैठे हैं। मैं महाराज जी के लिए यही कहूंगा कि मेरे चिंतन की धारा से ऋषियों का आविर्भाव हुआ। मैंने जब ऋचा उचारी तो संस्कृति का फैलाव हुआ। मैं याज्ञवल्क के मैं ही वशिष्ठ, मैं परशुराम भागीरथ हूँ, जो कभी अधूरा रहा नहीं। मैं ऐसा प्रबल मनोरथ हूँ, मेरा क्या परिचय पूछ रहे। रचियता रक्षक पोषक हूँ। आज का ये कार्यक्रम सारे मनोरथ को सिद्धि में परिवर्तित करे, इस भाव के साथ में हम कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहेंगे। अब हम इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ करना चाह रहे हैं। सभी लोग व्यवस्थित हो जाएं, क्योंकि आज यहाँ पर संतों की वाणी से हम सबको जो प्रेरणाएं मिलने वाली हैं, आवश्यक है कि वो अनुशासन की धरती पर वो बूंदे टपके ताकि हमारे जीवन में उतर पाए। इसलिए सभी से अनुरोध है, मीडिया के बंधुओं से पुनः अनुरोध करूंगा कि महाराज जी का कोई चित्र कोई वीडियो नहीं लेंगे। पथमेरा महाराज का कोई भी चित्र आप ना लें, अन्य सभी संतों के चित्र आप ले सकते हैं। ये परम सौभाग्य का विषय है कि संत यहाँ पर बैठे हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि वृक्ष न कबू न फल चखे, नदी न चाखे नीर, पर पीड़ा के वास्ते संतन भरियो शरीर। आप सब लोगों की पावन उपस्थिति हमारे जीवन के पूर्व संचित कर्मों का कोई परिणाम है कि आप यहाँ पर आए हैं। मैं पूरे पंडाल से चाहूंगा कि महाराज जी के चरणों में एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए गो माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। अब हमारा कार्यक्रम जिस पावन पुनीत लक्ष्य को लेकर के रखा गया, इसे समय का परिवर्तन ही मानेंगे कि एक माँ के लिए उसके पुत्र और पुत्रियों को आवाज उठानी पड़ती है, अपनी आवाज के स्वर को हुंकार में बदलना पड़ता है। आज ऐसे ही आवाज के उस स्वर को हुंकार में बदलने की ये महारैली यहाँ पर आयोजित है, जिसके पार्श्व में गौ माता की रंभाने की आवाज है और सम्मुख संतों की उपस्थिति मात्र।